हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया के उर्स मुबारक मौके पर सुपेला साक्षरता चौक के सामने स्थित ताज दरबार से चादर नागपुर के लिए रवाना की गई। नागपुर पहुंचने के बाद ताज बाग स्थित ताज दरबार में चादर पोशी कर चैन अमन की दुआएं की गई। सुपेला स्थित ताज दरबार में सर्वधर्म की एकता की मिसाल साफ नजर आती है। गौरतलब है कि नागपुर ताज दरबार की तर्ज पर भिलाई स्थित ताज दरबार में भी बाबा ताज के मानने वाले अपनी अकीदत लेकर पहुंचते हैं और यहां आकर फैज भी पाते हैं। बता दें, हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्ला अलैह नागपुर के उर्स मुबारक मौके पर भिलाई सुपेला स्थित ताज दरबार से चादर पोशी के लिए नागपुर चादर रवाना की गई। ताज दरबार भिलाई अध्यक्ष हज्जन ताजुन निसा, शेख जाकिर शेख ताजी, रोशन ताजी व कमेटी के मेंबरानों ने ताज दरबार नागपुर पहुंचकर चादर पोशी की। उर्स पाक के मुबारक मौके पर ताज दरबार पहुंचे अकीदत मंदों ने चादर पोशी व फातिहा के बाद देश प्रदेश में चैन अमन की दुआएं की। इस दौरान चादर पोशी में शामिल हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन सैयद मोबिन ताजी ने उर्स पाक की मुबारकबाद देते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही ताज दरबार भिलाई से नागपुर पहुंचे कमेटी के मेंबरानों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया के 102 उर्स के मुबारक मौके पर भिलाई ताज दरबार से चादर निकाली, जो नागपुर ताज दरबार आस्थाने पर तमाम खुद्दाम हजरातों के हाथ से पेश की गई और तमाम भिलाई वासियों के लिए दुआ खैर की गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज दरबार ताजुद्दीन औलिया में भिलाई से जो अकीदतमंदों ने चादर भेजी थी, हुजूर सरकार ताजुल्लाह के आस्थाने पर पेश हुई और सरकार ताजुल्लाह में तमाम भिलाई के अकीदतमंदों के लिए दुआएं खैर की गई और हमने सरकार ताजुल्लाह में अर्ज़ किया है, या हुजूर आपके जितने भी अकीदतमंदान भिलाई शरीफ में रहते हैं, आप तमाम की जायज़ तमन्नाओं को पूरा अता फरमाइए, बीमारों को शिफा अता फरमाइए, बे कारोबार को कारोबार अता फरमाइए और तमाम भिलाई के अंदर में खैर व आफियत से रहें और हिंदू मुसलमान सब मिलकर अपनी एक यकजहती बताकर तमाम इंसानों में एक मोहब्बत का पैगाम देकर सब मिलजुल कर रहें और सरकार ताजुल औलिया का जश्न बड़े अकीदतमंदान हजरात अपने खुद होकर पूरे भिलाई के अंदर में सरकार ताजुल औलिया का डंका बजाए। आमीन आमीन। बहरहाल हर साल की तर्ज पर इस साल भी भिलाई स्थित ताज दरबार से भव्यता से चादर नागपुर ताज दरबार भेजी गई। नागपुर ताज दरबार पहुंचकर कमेटी के लोगों ने देश प्रदेश में खुशहाली की कामना दिल से की। एसीएन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।